एक बार फिर से आप सभी का स्टडी विद के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है मैं आपका दोस्त देवेंद्र आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ आज हम रेडक्लिफ रेखा के बारे में बात करेंगे चलिए शुरू करते हैं रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है रेडक्लिफ रेखा के संस्थापक सर सीरियर रेडक्लिफ को माना जाता है रेडक्लिफ की स्थापना 15 अगस्त उन्नीस में की गई थी रेडक्लिफ की भारत के साथ कुल सीमा की लंबाई 3310 किलोमीटर है टोटल जिसमें रेडक्लिफ भारत के चार राज्यों से गुजरती है जिसमें पहला जम्मू कश्मीर के साथ 1216 किलोमीटर की सीमा लगती है उसी प्रकार पंजाब के साथ 514 किलोमीटर की सीमा लगती है और राजस्थान के साथ एक हजार सत्तर किलोमीटर की सीमा लगती है गुजरात के साथ 510 सौ दस किलोमीटर की सीमा लगती है रेड क्लिफ के साथ सर्वाधिक सीमा जम्मू कश्मीर की लगती है उसी प्रकार कम सीमा गुजरात की लगती है रेड क्लिफ के सर्वाधिक नजदीक राजधानी मुख्यालय श्रीनगर है उसी प्रकार दूर राजधानी मुख्यालय जयपुर है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य पंजाब है, है रेडक्लिफ रेखा पर रेडक्लिफ की राजस्थान में कुल सीमा की लंबाई एक किलोमीटर है रेडक्लिफ रेखा राजस्थान के चार जिलों को छूती है ये आपके चार जिले श्री गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर की सीमा लगती है बीकानेर के साथ एक किलोमीटर की सीमा लगती है उसी प्रकार जैसलमेर के साथ चार किलोमीटर की सीमा लगती है बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है ये राजस्थान का मानचित्र है इसमें ये पाकिस्तान है और ये राजस्थान है राजस्थान की चार जिले श्री गंगानगर बीकानेर जैसलमेर और बाड़मेर के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है इसी प्रकार गंगानगर की सीमा यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 210 किलोमीटर है उसी प्रकार बीकानेर की लंबाई एक जैसलमेर की चार और बाड़मेर की दो है सबसे ज्यादा सीमा को स्पर्श करता है पाकिस्तान की जैसलमेर चार उसी प्रकार सबसे कम सीमा बीकानेर की लगती है एक ठीक है रेड क्लिफ के साथ सर्वाधिक सीमा जैसलमेर की लगती है उसी प्रकार कम सीमा बीकानेर की लगती है रेड क्लिफ के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय श्री गंगानगर है रेड क्लिफ के सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर लगता है रेड क्लिफ पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है रेड क्लिफ पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला श्रीगंगानगर है रेड क्लिफ की शुरुआत हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से होती है और रेड क्लिफ का अंतिम बिंदु ब्राह्मणों की ढाणी पक्कासर शाहगढ़ बाड़मेर है ये इनका ये अंतिम पॉइंट है जैसे ये बाड़मेर यहाँ है और ये गंगानगर यहाँ है गंगानगर का जो ये पॉइंट टच करता है हिंदुमल कोट है श्री गंगानगर और बाड़मेर का ब्राह्मणों की ढाणी बक्कासर शाहगढ़ बाडमेर का अंतिम बिंदु यह रेड क्लीफ रेखा को का शुरुआती पॉइंट और अंतिम पॉइंट है ठीक है रेड क्लीफ पर पाकिस्तान के नौ जिले स्थित है पहला बहावल नगर पंजाब प्रांत में है बहावलपुर पंजाब प्रांत रहीम यार खान पंजाब प्रांत घोटकी सिंध सुकूर सिंध खेरपुर सिंध संगर सिंध उमरकोट सिंध और थारपार सिंध पाकिस्तान के दो राज्यों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है पंजाब प्रांत में लाहौर आ जाता है और सिंध प्रांत में करांची आ जाता है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान के दो राज्यों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है किस किस पाकिस्तान की दो राज्यों की सीमा पंजाब प्रांत की सीमा और सिंध प्रांत की सीमा लगती है राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा प्रांच प्रांत की लगती है और कम सीमा सिंध प्रांत की लगती है राजस्थान की सीमा के नज़दीक राजधानी मुख्यालय लाहौर है राजस्थान की सीमा के दूर राजधानी मुख्यालय करांची है राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा राज्य पंजाब प्रांत है उसी प्रकार राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में छोटा राज्य सिंध प्रांत है अब हम बात करते हैं पंजाब सीमा पर स्थित राजस्थान के जिले राजस्थान के दो जिले पंजाब के साथ लगते हैं एक श्री गंगानगर लगता है एक हनुमानगढ़ लगता है उसी प्रकार पंजाब के भी दो जिले राजस्थान के साथ लगते हैं एक का नाम फजिल का दूसरे का नाम मुक्तसर है ठीक है पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा श्री गंगानगर की लगती है उसी प्रकार कम सीमा हनुमानगढ़ की लगती है पंजाब की सीमा की सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय श्री गंगानगर का है पंजाब की सीमा के सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ का है पंजाब की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला श्री गंगानगर है पंजाब की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला हनुमानगढ़ है राजस्थान सीमा पर स्थित पंजाब के जिले राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा फाजिले का के लगती है और कम सीमा मुक्तसर के लगती है राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला फाजिलका है और सबसे छोटा जिला मुक्तसर है जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं पंजाब की ये गुलाबी रंग का ये गंगानगर राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ की सीमा पंजाब से लगती है पंजाब के दो जिले फाजिलका और मुक्तसर और पास में फाजिलका दूरमुख्तसर राजस्थान का गंगानगर सबसे बड़ा हनुमानगढ़ सबसे छोटा पंजाब के साथ सीमा लगने में अब हम बात करें हरियाणा सीमा पर स्थित राजस्थान के जिले हरियाणा की सीमा पर स्थित राजस्थान के कितने जिले आते हैं उसके बारे में बात करते हैं राजस्थान के सात जिले हरियाणा के साथ लगते हैं जिनके नाम है हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू सिकर जयपुर अलवर और भरतपुर उसी क्रम में हरियाणा के भी सात जिले राजस्थान के साथ लगते हैं सिरसा फतेहबाद हिसार भिवानी महेंद्रगढ़ रेवाड़ी मेवात या नूह इसको कह सकते हैं हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ की लगती है और कम सीमा जयपुर की लगती है हरियाणा की सीमा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ है और दूर जिला मुख्यालय जयपुर है हरियाणा की सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला चूरू है और हरियाणा की सीमा पर क्षेत्रफल में छोटा जिला भरतपुर है जैसे कि आप ये ग्रीन ग्रीन वाला डायग्राम देख रहे हैं ये इधर इस लाइन से इधर राजस्थान के जिले और अपोजिट साइड में हरियाणा के जिले हैं जो राजस्थान को सीमा को टच करते हैं जैसे हनुमानगढ़ चोरू झुंझुनू सीकर जयपुर और अलवर उसी क्रम में हरियाणा के जिले हैं सिरसा फतेहबाद हिसार भिवानी महेंद्रगढ़ रेवाड़ी और मेवात या नू है ये सात जिले हरियाणा के हैं और ये सात जिले राज अब हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की सीमा पर अवस्थित हरियाणा के जिले राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा महेंद्रगढ़ की लगती है और कम सीमा फतेहाबाद की लगती है राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला सिरसा है और क्षेत्रफल में छोटा जिला रेवाड़ी है अब हम बात करते हैं राजस्थान में उत्तर प्रदेश सीमा पर अवस्थित राजस्थान के जिले राजस्थान के दो जिले सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है और उत्तर प्रदेश के दो जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है राजस्थान के दो जिले हैं भरतपुर और धौलपुर उसी प्रकार उत्तर प्रदेश यानी यूपी के दो जिले आते हैं मथुरा व आगरा उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा भरतपुर की लगती है और कम सीमा धौलपुर की लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय भरतपुर दूर जिला मुख्यालय धौलपुर है यूपी की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला भरतपुर है और सबसे छोटा जिला धौलपुर है जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हैं इसमें राजस्थान के दो जिले भरतपुर और धौलपुर हैं, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के दो जिले मथुरा व आगरा बड़ा जिला राजस्थान का भरतपुर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाता है धौलपुर की कम सीमा लगती है उसी प्रकार आगरा की सबसे ज्यादा बड़ा जिला आगरा और मथुरा छोटा जिला है अब हम बात करते हैं राजस्थान की सीमा पर स्थित उत्तर प्रदेश के जिले राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा आगरा के लगती है और कम सीमा मथुरा के लगती है राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला आगरा है और राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में छोटा जिला मथुरा है अब हम बात करते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर राजस्थान के जिले राजस्थान के दस जिले एमपी के साथ सीमा लगाते हैं जिनमें हैं बांसवाड़ा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा कोटा झालावाड़ बारा, स्वाई माधोपुर करौली और धौलपुर उसी प्रकार एमपी के दस जिले राजस्थान की सीमा के साथ लगते हैं जिसमें झाबुआ रतलाम मदसोर नीमच अगर मालवा राजगढ़ गुना शिवपुरी शोपुर और मुरैना ये आप राजस्थान का मैप देख रहे हो और इसमें ये राजस्थान के दस जिले हैं कोने कोने वाले जो ऑरेंज कलर वाले हैं और दस जिले एमपी के लगते हैं राजस्थान के साथ और दस जिले एमपी के साथ राजस्थान के लगते हैं जिसमें धौलपुर सवाई माधोपुर कोटा बारा झालावाड़ भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ ये भी हिस्सा है और ये भी हिस्सा चित्तौड़गढ़ का है ठीक है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा उसी प्रकार एमपी के जिले जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं जिसमें भाजुआ रतलाम मदोर नीमच है अगर मालवा है राजगढ़ है गुना है शिवपुरी है शोपुर है और मुरैना है 16 अगस्त 2013 को एमपी का इक्यावनवा जिला अगर मालवा को बनाया गया जो साजापुर से अलग होकर बना था अतः वर्तमान में राजस्थान के साथ सीमा पर मालवा की लगती है न कि साजापुर की सीमा लगती है ठीक है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वर्तमान में अब मालवा की सीमा नहीं लगकर मालवा की सीमा लगती है साजापुर की सीमा नहीं लगती है एमपी के सर्वाधिक सीमा झालावाड़ की लगती है और कम सीमा भीलवाड़ा की लगती है एमपी की सीमा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय धौलपुर है और एमपी की सीमा के सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय भीलवाड़ा है एमपी की सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला चित्तौड़गढ़ है और सीमा पर सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में छोटा जिला धौलपुर है बड़ा चित्तौड़गढ़ छोटा धौलपुर चित्तौड़गढ़ व कोटा जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ दो बार लगती है ठीक है राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं जो दो दो भागों में विभाजित है पहला है अजमेर अजमेर पाली व राजसमंद जिले की सीमा इन्हें दो भागों में विभाजित करती है उसी प्रकार चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा की सीमा इसे दो भागों में विभाजित करती है जैसे ये अजमेर है अजमेर पाली व राजसमंद की सीमा अजमेर को दो भागों में बांट रही है जैसे कि ये ये भी अजमेर है ये अजमेर है आप पूरा देख रहे हैं ये बीच में आपको छोटा सा जो दिखाई दे रहा है ये भी अजमेर का ही हिस्सा है जो अजमेर को दो भागों में बांटती है इधर से भी और इधर से ये अलग अब दूसरा पॉइंट हमारा था भीलवाड़ा भीलवाड़ा भी चित्तौड़गढ़ को दो भागों में भीलवाड़ा बांटता है ये यह देखो यहाँ तक यहां से लेके यहाँ ले तक भीलवाड़ा की सीमा लगती है और यहाँ कोने में देखो यहां से लेके यहाँ ये भी चित्तौड़गढ़ है इसकी भी सीमा भीलवाड़ा से लगती है तो भी चित्तौड़गढ़ दो भागों में भीलवाड़ा बांट रहा है उसी प्रकार अजमेर को दो भागों में एक ये इधर से और एक ये अरे मेरे को यहाँ अब हम बात करते हैं राजस्थान की सीमा पर एमपी के जिले राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा नीमच की लगती है और कम सीमा झाबुआ की लगती है राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला शिवपुरी है और राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला अगर मालवा है रतलाम व मंद राजस्थान के साथ दो बार लगती है अब हम बात कर रहे हैं गुजरात गुजरात सीमा पर स्थित राजस्थान के जिले राजस्थान के छह जिले गुजरात के साथ लगते हैं और गुजरात के छह जिले राजस्थान के साथ सीमा के लगती हैं। राजस्थान में बाड़मेर जालोर सिरोही उदयपुर डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा गुजरात के साथ लगती है और गुजरात के छह जिले हैं जिसमें कच्छ कारन बनासकाठा साबरकांटा अरावली दाहोद ये छह जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है और इन छह जिलों की सीमा गुजरात के साथ लगती है जैसे ये देखिए राजस्थान का बाड़मेर जालोर सिरोही उदयपुर और डूंगरपुर इन ब्लू कलर वाले इनकी सीमा गुजरात के साथ लगती है गुजरात के छह जिले आते हैं कच्छ कारण बनासकाठा साबरकाठा अरावली माही सागर व दाहोद की सीमा राजस्थान के साथ लगती है गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा उदयपुर की लगती है गुजरात के साथ सर्वाधिक कम सीमा बाड़मेर की लगती है गुजरात की सीमा के साथ नजदीक जिला मुख्यालय डूंगरपुर है उसी प्रकार गुजरात की सीमा के साथ सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बाड़मेर है गुजरात की सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला बाड़मेर है गुजरात की सीमा पर क्षेत्रफल में छोटा जिला डूंगरपुर है अब हम बात करते हैं राजस्थान की सीमा पर अवस्थित गुजरात के जिले राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनास की लगती है राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा कच्छ कारण की लगती है राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला कच्छ कारण आता है और राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में छोटा जिला माही सागर आता है राजस्थान के साथ पांच राज्यों की सीमा लगती है पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और गुजरात राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के लगती है 1600 किलोमीटर और राजस्थान के साथ कम सीमा पंजाब के लगती है 89 किलोमीटर राजस्थान की सीमा के नजदीक राजधानी मुख्यालय गांधीनगर है राजस्थान की सीमा के दूर राजधानी मुख्यालय लखनऊ है राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है और राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में छोटा राज्य हरियाणा है ठीक है दो दो राज्य के साथ सीमा बनाने वाले जिले दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले इस प्रकार है जो हम देख रहे हैं हनुमानगढ़ के साथ दो राज्यों की सीमा टच करती है एक तो पंजाब की करती है एक हरियाणा की करती है उसी प्रकार भरतपुर है भरतपुर के साथ एक हरियाणा की सीमा टच करती है उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की सीमा भी भरतपुर के साथ टच करती है धौलपुर धौलपुर के साथ उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है धौलपुर को बांसवाड़ा बांसवाड़ा के साथ मध्य प्रदेश प्लस गुजरात की सीमा स्पर्श करती है जैसे कि यह हनुमानगढ़ है हनुमानगढ़ के साथ पंजाब की भी सीमा लगती है और हरियाणा की भी सीमा लगती है ये देखो हाफ हाफ कलर है हनुमानगढ़ में किया हुआ एक पंजाब की सीमा लग गई और एक हरियाणा की सीमा लग गई उसी प्रकार भरतपुर है भरतपुर के साथ हरियाणा की सीमा है, यहां टच हो रही है और इधर उत्तर प्रदेश की सीमा भी लगती है भरतपुर उसी प्रकार धौलपुर है धौलपुर के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा भी लगती है और एमपी की सीमा भी धौलपुर के साथ लगती है तो दो राज्यों की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की इसी प्रकार बांसवाड़ा बांसवाड़ा की में गुजरात की सीमा भी लगती है ठीक है यहां से वो इधर एमपी की सीमा भी ये यह यहाँ बांसवाड़ा में लगती है ठीक है तो दो राज्यों की सीमा बांसवाड़ा को भी काटती है राजस्थान में वर्तमान में कुल तैतीस जिले हैं, राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा बनाने वाले पच्चीस जिले हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा बनाने वाले राजस्थान के कितने जिले आते हैं तो पच्चीस जिले आते हैं उसी क्रम में राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान के चार जिलों की लगती है ठीक है अब ये क्वेश्चन है राजस्थान के साथ पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने जिलों की लगती है तो दो जिलों की लगती है बीकानेर और जैसलमेर अब हम बात करते हैं मैप में ये पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है चार जिले गंगानगर बीकानेर जैसलमेर और बाड़मेर पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय सीमा दो जिलों के लगते बीकानेर और जैसलमेर क्योंकि इधर बाड़मेर की सीमा लगती है पर इसकी राज्य के साथ गुजरात राज्य के साथ टच होगी तो ये पूर्णतः नहीं हुआ इधर इसकी पंजाब के साथ गंगानगर की सीमा लग गई तो ये पूर्ण तय नहीं हुआ चार में से दो गए दो रह गए उसी प्रकार हमने आगे बात की थी कि राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले कुल कितने जिले हैं? तो कुल पच्चीस जिले हैं यहां से गिनो एक दो तीन चार पाँच, छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस और एक हनुमानगढ़ पच्चीस तो ये पच्चीस ज़िले हो गए तो आपको पिछला टॉपिक ये पॉइंट समझ आ गया होगा राज्य के अंतरराष्ट्रीय व अंतर्राज्य सीमा को मिलाने वाले जिले गंगानगर पाकिस्तान और पंजाब को मिलाता है बाड़मेर पाकिस्तान व गुजरात को तो एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान सेम है ही अंतर्राज्य सीमा पंजाब व गुजरात लगती है राज्य के अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले जिलों की कुल संख्या कितनी है तेईस है जिसमें से पच्चीस हमने गिना था जिसमें से एक गंगानगर को निकाल देंगे एक हम बाड़मेर को निकाल देंगे तो पच्चीस पच्चीस रह जाएगी ठीक है? राज्य के पूर्णतः अंतरराज्य सीमा को स्पष्ट करने वाले जिलों की संख्या कितनी है इक्कीस होती है क्योंकि इसमें अपने ऊपर पड़ा था पच्चीस उसमें चार अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले निकाल देंगे इसमें गंगानगर व बाड़मेर को शामिल नहीं किया गया ठीक है चार निकाल दिए तो इक्कीस रह गया अब हम बात करते हैं कि सर्वाधिक अंतर्राज्य सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़ कम अंतर्राज्य सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर अंतर्राज्य सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय गंगानगर लगता है और अंतर्राज्य सीमा के दूर जिला मुख्यालय बाड़मेर लगता है अंतर्राज्य सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला बाड़मेर है और अंतर्राज्य सीमा में क्षेत्रफल में छोटा जिला धौलपुर है राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान ठीक है और अंतर्राज्य पांच जिले सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या छत्तीस है एक बार वापस क्वेश्चन बोल देता हूं राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मान पाकिस्तान के साथ हो गया प्लस अंतरराज्य पांच राज्य थे हरियाणा पंजाब यूपी एमपी गुजरात के साथ जिलों की कुल संख्या कितनी लगती है छत्तीस जिले लगते हैं ठीक है पाकिस्तान के नौ व राज्यों के सताइस ठीक है टोटल छत्तीस हो गए राजस्थान के साथ अंतरराज्य सीमा पांच राज्यों के बनाने वाले जिलों की कुल संख्या सताइस है राजस्थान की आठ जिले ऐसे हैं जो न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतर सीमा बनाते हैं और न ही अंतरराज्य सीमा बनाते हैं इसमें नागौर, जोधपुर पाली, राजमंद, अजमेर टोंक दौसा और बूंदी राज्य में सर्वाधिक जिलों की सीमा बनाने वाला जिला पाली है आठ जिले लगते हैं। पाली के साथ सर्वाधिक सीमा जोधपुर की लगती है और पाली के साथ सबसे कम सीमा बाड़मेर की लगती है राजस्थान के जो आठ जिले हैं वो ये हैं जोधपुर पाली राजसमंद नागौर अजमेर टोंक बूंदी और दौसा इनकी न तो अंतरराज्य सीमा के साथ किसी को टच करते हैं न अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं तो इनकी सीमा आठ जिले हैं किसी के साथ ये सीमा इनकी टच नहीं होती है पाली के साथ दो तो बार सीमा राजसमंद व अजमेर की लगती है सात जिलों की सीमा बनाने वाले जिले हैं नागौर जो सात जिलों की सीमा बनाते हैं राज्य में सबसे कम दो जिलों की सीमा लगने वाले जिले राज्य के सबसे कम दो जिलों की सीमा बनाने वाले जिले ये छह हैं गंगानगर हनुमानगढ़ व बीकानेर को टच करते हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर व प्रतापगढ़ की सीमा को टच करते हैं झालावाड़ कोटा व बारा और बारा कोटा व झालावाड़ को धौलपुर भरतपुर व करौली को और झुंझुनू चूरू व सीकर को राजस्थान का मध्यवर्ती जिला नागौर है राजस्थान का मध्यवर्ती गांव नागौर का मकराना गांव है राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है कोटा राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसे जिलों की श्रेणी से अलग करने पर राजस्थान के दो भाग हो जाते हैं कोटा को अलग करने से झालावाड़ व बारा का संपर्क राजस्थान से टूट जाता है या नहीं रहता है राजस्थान भारत की उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है ये हमारा कोटा है अगर इसे जिला न बनाए माने राजस्थान का तो यह राजस्थान को दो भागों में बांट देगा ठीक है जिसमें से बारह व झालावाड़ राजस्थान के साथ जिल... ये, इनका संपर्क टूट जाएगा सिर्फ कोटा की वजह से एक कोटा ही एक ऐसा जिला है जो इन दोनों को जोड़ता है राजस्थान के साथ और राजस्थान का कोटा ही एक ऐसा जिला है जो राजस्थान को दो भागों में एकमात्र कोटा राजस्थान को दो भागों में बांटता है यह था राजस्थान रेड क्लिफ रेखा के बारे में अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें